इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्ट वॉलेट से बुल टोकन को कैसे विड्रॉ करना है और कॉइन स्टोर में कैसे आपको इसको डिपॉजिट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा कॉइन स्टोर अभी ओपन होके है और हमारे पास यहाँ पर 0 USDT पड़ा हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर अपने स्मार्ट वॉलेट में जाके डिपॉजिट करेंगे। तो अभी यहाँ से हम अपना डिपॉजिट एड्रेस लेते हैं। डिपॉजिट एड्रेस लेने के लिए आपको आपको यहाँ पर नीचे में राइट साइड में एक असेट बटन दिखाई देगा। असेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप असेट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर डिपॉजिट ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर में। ये यहाँ पर डिपॉजिट है तो आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जैसे आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सर्च बटन दिख रहा है। यहाँ पर आपको वहाँ सर्च कर लेना है करके बुल। तो जैसे आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा बुल का और आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है नेटवर्क, यहाँ पर स्मार्ट। तो जैसे मैंने यहाँ स्मार्ट सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको एड्रेस ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपका डिपॉजिट करना है। आपको एड्रेस पर यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, एक यहाँ पर स्कैनिंग करके दिया है और एक यहाँ पर कॉपी करने का ऑप्शन दिया है। तो हम यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए हैं तो हम यहाँ पर कॉपी वाला ऑप्शन करेंगे। हम यहाँ पर कॉपी पे क्लिक, जैसे मैंने यहाँ पर कॉपी पे क्लिक किया है तो हमारा यहाँ का काम हो गया। कॉइन स्टोर से हम वापस जाएंगे अपने स्मार्ट वॉलेट में। तो यहाँ पर हम स्मार्ट वॉलेट में आ जाएंगे अभी। तो अभी जैसे हम स्मार्ट वॉलेट में आएंगे तो इस तरह आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका डैशबोर्ड। ये तो सबको पता है। तो आप यहाँ पर बुल टोकन को अभी ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका बुल स्प्लिट। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है तो आपको इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन रहेंगे। आपको एक रिसीव पे रहेगा आपका एड्रेस कॉपी करने का और ये कॉपी करने का। तो ये रिसीव करने का हमको अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना है इसके, क्योंकि हम यहाँ पर रिसीव नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर सेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको बस इसलिए बताया कि किसी को आप किसी से पूछ रहे हैं स्मार्ट कॉइन तो आपको रिसीव का एड्रेस देना। तो यहाँ पर अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेंड का। हमको यहाँ पर रिसीव पे कुछ करना नहीं है अभी यहाँ पर। तो अभी हम सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे सेंड पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक यहाँ पर मैक्स और ये मैनुअल एंटर करने का। तो हम यहाँ पर मैक्स नहीं करेंगे, मैनुअली एंटर करेंगे, क्योंकि हमको जितना बेचना है हम उतना ही बेचेंगे, हमको पूरा बेचना नहीं है। हमारे पास 4 लाख से ऊपर अर्न पर आवर का बुल स्प्लिट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी आपको ये अभी मैंने बता दिया है मैक्स और मैनुअली कैसे एंटर करना है। तो आपको यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस करके दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन एड्रेस दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है जो आपने डिपॉजिट एड्रेस को कॉपी किया था कॉइन स्टोर से। तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं। जैसे अभी यह बॉक्स में हम लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको पेस्ट ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पेस्ट कर देना और यहाँ पर हमको जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट को बटन दबाएंगे तो हमको नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमको कितना सेंड करना है हम वहाँ पर एंटर करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी 00 हम यहाँ पर हमारा बुल टोकन को 0.012 ही भेजें यहाँ पर सेंड करेंगे अपने कॉइन मास्टर में। तो यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट यहाँ पर नीचे मैंने जो पहले दिखाया था तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपको और आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है फिर से। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका अल्टिमा आपके वॉलेट में आ जाएगा, जो आपका कॉइन स्टोर ऐप है उसमें आ जाएगा आपका। तो कॉइन स्टोर थोड़ा स्लो है, बहुत देर लग गया, कुछ 18 मिनट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 18 मिनट 19 मिनट हो गया है अराउंड।
कि मेरा इतना देर लग गया, तो हमको यहाँ पर इसको सेल करने के लिए कैसे ऑप्शन आएगा? तो हमको यहाँ पर असेट में जाने के बाद आपको यहाँ पर, आप जैसे यहाँ पर असेट में आएंगे तो आपको यहाँ पर ओवरव्यू में देखना है कि आप फुल टोकन आया है कि नहीं। तो फिर हम यहाँ पर अभी मार्केट के ऊपर जाएंगे, मार्केट के ऊपर जाएंगे और मार्केट के ऊपर से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे मार्केट के ऊपर, और यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है बुल्स। जैसे हम बुल्स पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपको। फिर आपको यहाँ पर बाई का ऑप्शन है, यहाँ सेल का ऑप्शन है, हम तो हमको यहाँ पर बस सेल के ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर हमने सेल करके क्लिक कर लिया है अभी, तो इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है सेल करके एक ऑप्शन, आपको वहाँ क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है। लिमिट ऑर्डर इसलिए काम आता है कि हम अपने जो प्राइस में बेचना चाहते हैं वो प्राइस को एंटर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन देगा, दिखाई देगा आपको, आपको मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ मार्केट ऑर्डर। अगर मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो जो अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है वही रेट पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। बट हमको यहाँ पर अपने प्राइस पे बेचना है जो हमको लगता है कि हमको इतना ऊपर तक जा सकता है। तो अभी यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर 2350 पे बेचता हूँ, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन नीचे दिया गया है बुल क्वांटिटी, तो आपको कितना क्वांटिटी यहाँ पर बेचना है। अभी आपके पास 0.012 बुल टोकन है ना, तो आप यहाँ पर मैन्युअली एंटर कर सकते हैं कि आपको इतना सेल आउट करना है, तो आप जितना आपको सेल करना है यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए मैन्युअली, ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो आपको दूसरा ऑप्शन दिया है, एक और एक ऑप्शन यहाँ पर, एक ये ऑप्शन और ये ऑप्शन का क्या डिफरेंस है, आपको वो ऊपर में जो क्वांटिटी लिखा है बॉक्स का वहाँ पर आप मैन्युअली एंटर कर सकते हैं, और ये जो आपको एक ऑप्शन दिया है लाइन का, वो लाइन इसलिए यूज़ कर सकते हैं हम कि हमको कितना क्वांटिटी बेचना है। यहाँ पर जैसे अभी यहाँ पर हमको 40% बेचना है या 50% बेचना है, 50 बेचना है यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि आप देख सकते हैं कि आपके जो क्वांटिटी यहाँ पर सेल हो गए हैं 50 है, जो आपके पूरे यहाँ पर बुल टोकन यहाँ पर कितने हैं उसमें से यहाँ पर 50% ही क्वांटिटी आप बेचना चाहते हैं, तो उसको ट्रैक करके हमने 50 पर लेके आया। अगर आपको पूरा सेल करना है तो यहाँ पर दिख रहा है आपको 100%, जितना आपको पूरा मैक्सिमम जितना भी आपके पास बुल टोकन है वो पूरा बेचने के लिए आपको ये पूरा ट्रैक करना पड़ेगा 100%। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका क्वांटिटी यहाँ पर जितना है उतना पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिया गया है सेल बटन करके, सेल बुल करके, आपको सेल बुल पे क्लिक करना है तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको पहले ऊपर सेल पे क्लिक करना है, फिर आपको लिमिट ऑर्डर लगाना है, फिर आपको अपना जो प्राइस पे आपको बेचना है वहाँ पर वो ऑर्डर लगा दीजिए, और आपको ड्रैग करना है ये बटन को, 50% आपको सेल करना है या 60% करना है। तो यहाँ पर मैंने 100% ले लिया है, और यहाँ पर मैं सेल बटन को क्लिक कर लेता हूँ अभी। तो फिर आप जैसे सेल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कन्फर्म बटन, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका आप देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। तो आप थोड़ा मैं नीचे आ जाता हूँ, जैसे मैं नीचे आऊँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ओपन ऑर्डर एक है। जैसे आपका ये ओपन ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो आप यहाँ पर आपके असेट पे देख सकते हैं, यहाँ पर असेट में आ जाएगा वो। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑर्डर है ओपन ऑर्डर मेरा, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से, बट यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि अपने ये ऑर्डर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़े और ज़्यादा प्राइस में बेचना है तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो मैक्सी एक्सचेंज में वो ऑप्शन आता है। अभी आप देख सकते हैं कि ओपन ऑर्डर में मेरा ऑर्डर नहीं है, वो असेट में आ गया है।
ओपन ऑर्डर से असेट में आने का मतलब ये है कि आपका जो आपने जो सेल ऑर्डर लगाया है वो आपका सेल एग्जीक्यूट हो गया है और आपको यूएसडीटी मिल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बुल जो थे वो अभी यूएसडीटी में आ गए हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको हम जाके बाइनेंस में ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ पर अपने यूएसडीटी को सेल करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगला स्टेप हम वो करते हैं। अभी हम जाएंगे अपने बाइनेंस ऐप में जाएंगे और वहाँ से हम डिपॉजिट का एड्रेस लेकर आएंगे और यहाँ पर विड्रॉल करेंगे। तो अभी हम जाएंगे अपने बाइनेंस ऐप में और आएंगे वापस फिर यहाँ पर विड्रॉल करने के लिए। अभी हम आ गए हैं अपने बाइनेंस ऐप में और यहाँ पर आपको नीचे में वॉलेट दिख रहा है, वॉलेट पे आपको क्लिक करना है। और आपको वॉलेट पे क्लिक करने के बाद इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा एक, और आपको ऊपर में दिख रहा है डिपॉजिट, आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जैसे आप डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऊपर में आपको सर्च दिख रहा है, सर्च कॉइन, आपको वहाँ पर सर्च कर लेना है यूएसडीटी। मेरे को यहाँ पर दिख रहा है तो मैं यहाँ पर यूएसडीटी को सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पर इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा आपको। और आपको यहाँ पर TRC20 सेलेक्ट करना है या BNP स्मार्ट कॉइन करना है, तो आपके ऊपर है आपको कौन सा ट्रांजेक्शन करना है। दोनों में से हम कोई भी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं BEP20 को करता हूँ। तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन रहेंगे, यहाँ हम चूज़ करेंगे एड्रेस कॉपी का। हमारा एड्रेस कॉपी हो गया है, हम वापस जाएंगे अपने कॉइन मास्टर में। अभी हम आ गए हैं अपने कॉइन मास्टर में। तो आप जैसे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपको ऑन चेन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑन चेन में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह ऑप्शन आएगा, एक USDT आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से। तो आपको यहाँ पर USDT सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप USDT सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर एड्रेस पेस्ट करना है जो आपने बाइनेंस से कॉपी किया था। आप अगर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है अभी। और आपको यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट करने का है, आपको BEP20 सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पर नेटवर्क सेलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर ऑल पे क्लिक करना है, क्योंकि मुझे अब पूरा यहाँ पर सेंड करना है। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर 1 USDT यहाँ पर चार्ज लग रहा है, बाप रे बाप बहुत ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पर आपको जैसे नीचे आ जाएंगे आपको विड्रॉ पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आप विड्रॉ पे ऐसे जैसे आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दे रहा है कि आपको पिन नंबर एंटर करना होगा यहाँ से। तो हम यहाँ पर सेट पिन कोड करके एंटर करेंगे तो आपको ईमेल आईडी में कोड आएगा और हम अपने ईमेल आईडी से जाके कोड को वहाँ पेस्ट करेंगे। फिर हमारे को मोबाइल पे एक OTP आएगा, फिर हमको गूगल ऑथेंटिफिकेशन, ये तीनों को वेरीफाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा पेमेंट का प्रोसेस होगा। तो अभी यहाँ पर मैं सब कुछ कर लेता हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पर सारे कोड्स को यहाँ पर ला के पेस्ट किया है। फिर आपको नीचे कंफर्म बटन पे क्लिक करना है तो इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपका विड्रॉल डिटेल्स, तो जैसे मैं वहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपका यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिखाई देगा कि आपका विड्रॉल कहाँ तक अभी स्टेटस पे है। तो अभी हम यहाँ पर वेट करते हैं हमारा USDT डिपॉजिट हो जाए, प्रोसेस हो जाए और हमारे बाइनेंस में हमारा USDT आ जाए। उसके बाद हम वहाँ पर जाके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो अभी हम चलते हैं बाइनेंस में, यहाँ का प्रोसेस हो गया है। अभी यहाँ पर सेल करेंगे इसको और अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वॉलेट पे आना है और आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे फंडिंग में कुछ नहीं है, हमको स्पॉट से फंडिंग में लेकर आना है, क्योंकि फंडिंग में जो अमाउंट रहता है वही अमाउंट हमको यूज़ होता है P2P ट्रांजेक्शन करने में। तो मैं यहाँ स्पॉट पे क्लिक कर लिया हूँ और ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर लिया हूँ। और यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा है फंडिंग टू स्पॉट वॉलेट, तो आपको यहाँ पर ऊपर पे स्क्रॉल कर लेना है, क्योंकि आपको स्पॉट वॉलेट से फंडिंग में लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर लिया है स्पॉट वॉलेट से फंडिंग में। और नीचे आपको USDT दिख रहा है, तो आप USDT पे सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन नीचे मैक्स करके ऑप्शन आ रहा है, मैक्स पे क्लिक कर लेना,
तो आपका जो भी USDT है उसके अंदर आ जाएगा पूरा, और आपको नीचे कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएगा स्पॉट से फंडिंग में। तो अब यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली आ गया है। तो अभी हम वापस जाएंगे, अब तो अभी हम स्पॉट पे क्लिक करेंगे और देखेंगे हमारा फ़ंड में आया है कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा स्पॉट में कुछ भी नहीं बचा है। तो यहाँ पर हम फंडिंग में आके देखेंगे तो हमारा यहाँ पर $26.80 आके है। अभी नीचे आपको P2P ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे P2P पे क्लिक करेंगे तो इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सेल बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेल बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर सारे वेंडर्स जो भी सेल ऑर्डर डाल के बैठे हैं, यहाँ आपको डिफरेंट प्राइजेस दिखेंगे। अकॉर्डिंग टू जो प्राइस में आपको सेल करना है उस पर सेलेक्ट कीजिए। मैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाता हूँ, एक P2P ट्रांजेक्शन में कैसे सेल करते हैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन है एक्सप्रेस करके, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। आप दोनों को कंपेयर करना, आपको जहाँ पर भी प्राइस कम दिखता है वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी एक बार एक्सप्रेस में एंटर करके देखेंगे सेल पे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि इसको कैसे करते हैं। जैसे मैंने सेल पे क्लिक किया तो आपको ऑल करके दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा जितना भी USDT है वहाँ पर दिख जाएगा, और नीचे आपको सेलेक्ट पेमेंट मेथड करके सेलेक्ट करना है। तो आपको इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप कैसे पेमेंट चाहते हैं। तो आप यहाँ पर IMPS सेलेक्ट कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर सकते हैं, UPI सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए, और रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप रिव्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमको फिर से प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो ऊपर में आपको एक चार्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और आपको वेट करना है कि जो आपसे बाई कर रहा है वो आपको पेमेंट सेंड करे, और तब तक आपको वेट करना है। आप चार्ट बॉक्स में जाके वहाँ पर उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उससे चैट भी कर सकते हैं कि पेमेंट जल्दी भेज दो, या आपको आधार कार्ड उनका चाहिए, या आपको स्क्रीनशॉट चाहिए पेमेंट का, आप जो भी कुछ चाहिए यहाँ पर एंटर कर सकते हो। हमको अभी मैसेज आया है कि हमारा अमाउंट हमको क्रेडिट हो गया है। तो अभी हम एक बार जाके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन देखते हैं, और जो हमको अमाउंट भेजा है उसका बैंक अकाउंट का नाम, और जो हमने यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका अकाउंट सेम है कि नहीं। अभी मैंने सब कुछ वेरीफाई कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अमाउंट हमको रिसीव हो गया है, आप यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रिक्वेस्ट डाल देंगे कि हमको हमारा पेमेंट रिसीव हो गया है। जब आपको वो पेमेंट कर देगा तो आपको वो एक नोटिफिकेशन देगा इस तरह। तो आपको यहाँ पर पेमेंट रिसीव पर क्लिक करना है। जैसे आप पेमेंट रिसीव पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर ये लिखा है कि जो भी आपने सेल कर रहे हैं उसका सेम अमाउंट आपको क्रेडिट हुआ है कि नहीं। तो आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए और कंफर्म कर दीजिए, तो आपको एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको फिर से कन्फर्म रिलीज पर क्लिक करना है, तो आपका पेमेंट है जो वो रिलीज़ हो जाएगा, आपके अकाउंट से USDT कट हो जाएगा। तो पहले उससे पहले आपको एक गूगल ऑथेंटिफिकेशन का कोड आएगा, उसको आपको एंटर करना पड़ता है। उसके बाद आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा और आपके USDT कट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली सोल्ड आउट करके आया है, और हमारे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र हो गया है। तो इसी तरह से प्रोसेस होता है। तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिली होंगी कि आप अपने बैटल बुल गेम खेलने के बाद आपको टोकन आया है, वो टोकन को कैसे विड्रॉ करेंगे, और कॉइन मास्टर में लेकर आके उसको सेल करेंगे, फिर USDT को लेकर आके बाइनांस में ट्रांसफ़र करेंगे, और बाइनांस में हमारे बैंक अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे उसको।